हाय एवरीवन सो आज एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हुई है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं और ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है मेरे हिसाब से तो जिसके बारे में मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा बट सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हुआ क्या है तो देखो आज से एक दो दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक्सेंचर की तरफ से मेल्स जा रहे थे अब जो मेल्स जा रहे थे रिजेक्शन के वो कम बच्चों को जा रहे थे बट आज एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ हुई है एक्सेंचर ने बहुत सारे बच्चों को जो टेस्ट पर इन्वाइट किया मेरे हिसाब से शायद उनको इंटरव्यू के लिए इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था बिकॉज जो इंटरव्यूज़ हुए वो काफ़ी ईजी थे सबके

ये चीज़ सही नहीं थी कि एक तो काफ़ी सारे बच्चों को रिजेक्शन मिला रिसीव हुआ है तो डेफिनेटली uh, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बट जो एक जो मुझे बिल्कुल मतलब पर्सनली बता रहा हूँ देखो वो तो सब कंपनी के ऊपर है मुझे जो एक चीज़ पसंद नहीं आई कि इनने क्या चीज़ बोली है कि जो असेसमेंट है असेसमेंट के स्कोर्स प्लस इंटरव्यूज के स्कोर्स इन दोनों को मिलाकर हम फाइनल सिलेक्शन देंगे बट मेरे हिसाब से अगर असेसमेंट में आपको कोई कैंडिडेट ज्यादा सही नहीं लगा है सो so वहां पे आपको रिजेक्ट करना चाहिए था अब इंटरव्यू के लिए उसने तैयारी करी एक होप तो बिल्ड हो ही जाती है बट आज यहां पर मास रिसीव हुए हैं और एक्सपेक्टेशन uh, से ज्यादा बच्चों को आज यहां पर रिजेक्शन का मेल रिसीव हुआ है डेफिनेटली ये की तैयारी है बट यहां मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि पिछली बार से एक्सेंचर की हायरिंग इस बार डेफिनेटली काफी ज्यादा कम होने वाली है बिकॉज जिस हिसाब से ये लोग रिजेक्शन के मेल्स भेज रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि कमी बच्चे होंगे जिनको यहाँ पर 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 सिलेक्शन का मेज, आ, मेल आएगा, जिनका परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब ये ये डरने वाली बात मैं मैं नहीं कर रहा हूं, ये बस मैं जस्ट कर रहा रहा बस जस्ट इसलिए बिकॉज़ आज बहुत सारे बच्चों को रिजेक्शन के, मेल के तरफ से भेजे गए हैं दो चीज और बोलना चाहूंगा सबसे पहले तो जिन लोगों के अभी टेस्ट चल रहे हैं या फिर अभी आ, आप लोगों के टेस्ट यहाँ पर अभी नहीं शुरू हुए हैं पहले तो मैं उनके बारे में थोड़े से बात करूंगा और उसके बाद एक चीज और बोलना चाहूंगा तो थोड़ी सी बात आप मेरी और सुन लेना सो सबसे पहले अभी जिन लोगों के भी यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं या जिनको टेस्ट नहीं आया है या जिनको अभी जस्ट टेस्ट रिसीव हुआ है पहली बात मैं आपको देखूंगा देखो आप सामने देख सकते हो बहुत सारे बच्चों को रिजेक्शन यहाँ पर फेस करने का मेल uh, uh, आ रहा है सो so आपसे एक ही चीज़ बस मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका टेस्ट आ रहा है एक्सेंचर का ट्राई योर बेस्ट प्लीज डोंट रिलाई ऑन चीटिंग एक सबसे बड़ी मिस्टेक है uh, अगर आप चीटिंग करके सोच रहे हो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी बट ऐसा नहीं है बिकॉज uh, यहाँ पर जो एक रियल टैलेंट टालें, है

मेल रिसीव हुए हैं और ये अगर मैं बात करूं अगर आज आपको लग रहा है ऐसा कि आपको रिसीव नहीं हुआ है जिन बच्चों को रिसीव हुआ है आपका भी इंटरव्यू आपने दे दिया है और इंटरव्यू देने के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट पेंडिंग है ठीक है रिजल्ट अगर आपका पेंडिंग है तो अभी मैं ये ये नहीं कह सकते कि अगर औरों को रिजेक्शन आ गया है तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्शन आ ही जाएगा बिकॉज एक्सेंचर की तरफ से लगातार तीन दिन से पहले दिन में यहाँ पर बहुत कम बच्चों को रिजेक्शन भेजे गए थे और अगर मैं कल और आज की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों को रिजेक्शन का मेल आया है ठीक है सो so, अभी ये लोग लगातार रिजेक्शन के मेल भेज रहे हैं टास्क मेल तो अभी इन लोगों ने किसी को भेजा नहीं है सो so, ये एक बड़ी यहाँ पर आ, एक अपडेट है बिकॉज जो लोग भी यहाँ पर इंटरव्यू रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं आप इस बात से ये बात की कंफर्म नहीं कर सकते हो कि अगर आपको रिजल्ट का रिजेक्शन uh, का मेल नहीं आया है तो यहां पर आपको डेफिनेटली टास्क मेल आ ही जाएगा ऐसा नहीं है बिकॉज धीरे धीरे करके रिजेक्शन आ रहे हैं और जिस हिसाब से रिजेक्शन आ रहे हैं बहुत ज्यादा हैं बहुत ज्यादा हैं आई जस्ट वॉन्ट टू से बहुत अच्छे नंबर में रिजेक्शन यहां पर किए जा रहे हैं एक्सेंचर की तरफ से ठीक है सो so, पहली अपडेट तो यहाँ पर यह रहेगी दूसरी बात आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो मैं को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं पहली बात जिन लोगों को अभी टेस्ट नहीं रिसीव हुआ है देखो आप जितनी डैश पर रिसीव टेस्ट का इंतजार कर रहे हो आई जस्ट वांट कि गिव योर 200% अगर एक भी परसेंट की कहीं पर कमी हो रही है उसको पूरा करके गिव योर 200% इन द इंटरव्यूज एंड एक्सेंचर बिकॉज़ मेरे हिसाब से बहुत कम कम गैप पर बहुत कम कम मार्जिन पर बहुत छोटे-छोटे मार्क्स पर यहां पर रिजेक्शन हो रहे हैं बिकॉज़ तो बहुत सारे बच्चों को ये रिसीव हो रहे हैं ठीक है तो गिव योर 100% 200% इन द प्रोसेस दूसरी बात Uh, जिन लोगों के यहाँ पर टेस्ट हो गए हैं और जिन, जो लोग यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं देखो ये जो रिजेक्शन का मेल है ये आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन का ही पार्ट है बिकॉज रिजल्ट डिक्लेरेशन में अगर टास्क मेल भेजे जाते हैं उसका मतलब है सिलेक्शन और यहाँ पर रिजेक्शन धीरे धीरे करके एक्सेंचर भेज रही है एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेजरली जिन लोगों के ट्वेल्थ एंड थर्टीन मे को यहाँ पर इंटरव्यूज हुए थे और जिन लोगों को सेवन जिन लोगों के सेवनटीन एट्टीथ नाइनटीन लगभग इस डेट के आसपास जिन लोगों के इंटरव्यू हुए थे मेजरली आप ये मान के चल सकते हो जब सभी लोगों को ये लोग रिजेक्ट कर देंगे जिन लोगों को इनको सेलेक्ट नहीं करना है उसके बाद से यहाँ पर टास्क डिक्लेरेशन की चीज़ें चालू हो सकती हैं ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है रिजल्ट डिक्लेर होने में मैं होप करूंगा कि पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले काफ़ी सारे बच्चों को बिकॉज आज थोड़ा सा मेरा मन टूटा है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को रिएक्शन देखने को मिला तो मुझे पर्सनली अच्छा फील नहीं हुआ है इस चीज़ में सो Obviously यार ये चीज़ हर्ट करेगी हमारा भी चैनल है और मैं चाहता हूँ प्लेस हो तो ये चीज बुरा तो लगता ही है ठीक है तो जिन लोगों को भी टास्क लेकिन अभी मिलकर जो लोग इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन की उम्मीद है बस एक ही चीज मैं कहूंगा कि मैंने डॉक्यूमेंट वाली वीडियो डाली थी एक बार प्लीज जाके उसको चेक कर लेना एक भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना रह जाए बिकॉज ये चीज आप पे भारी पड़ सकती है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सजा कर सारा नेम वगैरह सब संभाल कर रेडी करके रख लेना बिकॉज अगर ऑनबोर्डिंग लेट होगी तो आपको बहुत घाटा पड़ जाएगा और फिर भरोसा नहीं बाद में रिवोक कर दिया कुछ कर दिया तो क्रिएट हो सकती है ना तो so, सब कुछ रेडी करके रखो आप ठीक है तीसरी बात एक और चीज में डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो एक्सेंचर में यहाँ पर अब जिन लोगों को रिजेक्शन आ रहे हैं जो लोग अप्लाई कर चुके हैं जिनको टेस्ट नहीं आया अब आप कब अप्लाई कर सकते हो तो देखो मेजरली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इंटरव्यू तक गए हैं अगर आपका इंटरव्यू हो चुका है, और अगर आपको हुआ है तो जनरली है और जिन लोगों ने अप्लाई किया जिन लोगों को यहाँ पर टेस्ट नहीं रिसीव हुआ उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को बस वेट करना है आपको टेस्ट के लिए दोबारा अप्लाई आपको अब नहीं करना है। ठीक है ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी आपके साथ एक अपडेट और देना चाहता हूँ कि

कॉग्नीजेंट वॉज वन ऑफ द बेस्ट हायरिंग टैक महिंद्रा की भी अच्छी थी सो so, अभी ये दो बड़ी हायरिंग डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ टी सी एस अभी प्रोसेस में चल रही है और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूंगा जो एक लास्ट चीज़ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इवन की जैसे आज हमने देखा सुबह मैंने डीएकसी की डाली थी हायरिंग फटाफट से रिवर्ट आ गया जलूरी की मैंने हायरिंग डाली थी फटाफट से रिवर्ट आ गया है ना जेड एस की हायरिंग डाली थी फटाफट से रिवर्ट आ गया सो so, अगर आप इस टाइप की कंपनीज को इग्नोर करोगे आप ये सोचोगे जो कंपनीज केवल मास हायरिंग कर रही हैं, हम तो केवल उसी में अप्लाई करेंगे तो ये आप बहुत गलत फंस जाओगे आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज इन कंपनीज से ज्यादा सिलेक्शन इन कंपनीज में होते हैं अगर आप एक टोटल आंकड़ा निकालोगे ना ये छोटी छोटी कंपनीज काफी ज्यादा हेल्प करती हैं एम्प्लॉयमेंट घटाने में और uh, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट uh, घटाने में सो so, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अवेयर रहें लेट ना करें अप्लाई करने में जिससे आप ही को यहाँ पर काफी ज़्यादा बेनिफिट होगा सो ऑल द बेस्ट जो भी लोग यहाँ पर एक्सेंशन के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग